हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपना फेवरेट कैक्टस जो कि है मंकी टेल कैक्टस उसे रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये रहा वो कैक्टस। काफ़ी सुंदर फ्लावर्स होते हैं इसके। फ्लावर तो सुंदर होते ही है, इसके हेयर ज़्यादा सुंदर होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये वाइट ये इसके हेयर है। जब ये बढ़ते हैं तब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसे मैंने 10 मिनट के लिए फंगीसाइड वाटर में रखा हुआ है। 1 साल से मैं इसे ढूँढ रही थी FB पे और फाइनली मुझे मिल गया। 1 साल के बाद इसकी मैंने पोस्ट देखी, 1100 विद शिपिंग में मिला है मुझे ये। आज मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ। इसे रिपोर्ट करने के लिए जो मैंने पॉटिंग मिक्स लिया उसमें 1 पार्ट सॉइल, हाफ सैंड, हाफ कोकोपीट और हाफ कंपोस्ट, कुछ चारकोल के पीसेस है और कुछ परलाइट मिला है मैंने। काफ़ी वेल ड्रेन और मॉइस्ट पॉटिंग मिक्स है ये, जो कि हमारे वेदर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आप अपने वेदर के हिसाब से जो सूटेबल पॉटिंग मिक्स हो वो आप ले सकते हो। इसे लगाने के लिए जो मैंने पॉट लिया है वो है क्ले पॉट, जिसमें कि ड्रेनेज होल बना हुआ है। इसकी चौड़ाई है 6 इंच और गहराई है 4 इंच। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसे लगाना कैसे है। फ्रेंड अब हम पॉट को भर लेंगे, पूरा नहीं भरना है, 1-2 इंच जगह छोड़नी है पानी के लिए। पॉट को भरने के बाद हमें इसे पानी देना है, अच्छे से मॉइस्ट करना है। इससे ड्रेनेज भी पता लगेगा। देखिए काफ़ी वेल ड्रेन है, अच्छे से जो पानी है वो ड्रेन हो गया है। फ्रेंड्स मंकी टेल कैक्टस को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। ये हैंगिंग वाला प्लांट है, काफ़ी सुंदर लगता है। नॉर्मल पॉट में भी आप लगा सकते हो। मेरे पास ये हैंगिंग पॉट है तो मैं इसमें लगाऊंगी, साइड में लगाऊंगी मैं। इसे सेंटर में नहीं लगाया जाता, इस तरह से साइड में लगाया जाता है। देखिए सिर्फ आपको रूट्स और थोड़ा सा प्लांट अंदर रखना है और इस तरह से लगा देना है। फ्रेंड्स इस तरह से लगाना है आपको प्लांट, और आपको इससे पानी नहीं देना है। आप सॉइल मॉइस्ट है, नेक्स्ट वाटरिंग आपको तब करनी है जब ये ड्राई हो। और आपके पास अगर 2-3 और टेल है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, काफ़ी सुंदर लगेगा ये एक साथ लगा हुआ। इस तरह से हैंगिंग में लगा सकते हो। मंकी टेल कैक्टस की ग्रोथ इस पॉटिंग मिक्स में काफ़ी अच्छी हुई है। ये देखिए काफ़ी बढ़ चुका है और इसने पप भी दिया था, यहीं पर लगा था जिसे मैंने अलग कर दिया था। ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हुई है लेकिन पॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पॉट की क्वालिटी बहुत ही बेकार है, इसलिए मैंने इसे हैंग नहीं किया, ऐसे ही रखा हुआ है, वरना ये टूट भी सकता था और प्लांट हमारा ख़राब हो सकता था, इसलिए मैंने इसे हैंग नहीं किया। और इस टेल के बाद मुझे एक टेल और मिल गई थी ऑनलाइन FB से ही। ये देखिए ये पूरी एक टेल थी 21 इंच की, जिसे मैंने काट कर अलग लगा दिया था क्योंकि डैमेज हो गई थी सेंटर से। काटकर अलग लगाने के बाद देखिए काफ़ी सारे पप्स दिए इसने। कुछ कटिंग्स भी मैंने इसकी लगाई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कटिंग और पप्स कैसे लगाना है, और उस लगाई हुई कटिंग को भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। अब इसे रिपोर्टिंग के बाद कहाँ रखना है फ्रेंड्स, तो इसे आपको शेड में रखना है 1-2 दिन, उसके बाद आप इसको धूप में रख सकते हो। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है तो ग्रीन नेट का यूज़ करें या पार्शियल शेड में रखें, डायरेक्शन में ना रखें, वरना ये जो हेयर है वो जल सकते हैं और प्लांट भी ख़राब हो सकता है, डिहाइड्रेटेड हो सकता है, सूख जाएगा प्लांट आपका। मॉइस्ट रखे ऐसी स्थिति में मिट्टी को भी, लेकिन ज़्यादा पानी भी ना दे। ये मिक्स काफ़ी अच्छा है, इसमें पानी जो है अच्छे से ड्रेन हो जाता है, तो आप ज़्यादा पानी भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लावर्स अभी तक आए ही नहीं हैं, फ्लावर्स भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूँगी, बर्ड और फ्लावर्स की अलग से मैं आपको वीडियो दे दूँगी। आपको इसको कैसे लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हो। इस वीडियो को देखकर आप लगाया इस तरह से,
और रिज़ल्ट कैसा मिलता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सब्सक्राइब के बाजू में ही बेल नोटिफिकेशन है, उसे भी प्रेस करें ताकि ऐसे और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आते रहे।